सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट एफ कैट फेवरेट्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एफ कैट हर बार देता ही देता है, तो अगर आपने पहले एफ कैट दिया है तो आप रिलेट कर पाएंगे, और नहीं दिया है तो डेफिनेटली देखिए एंड दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर एग्ज़ाम से पहले नहीं देख पाया तो उसके बाद देख लेना, जिससे कि नेक्स्ट में नेक्स्ट एग्ज़ाम में दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो ये फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग एफ कैट हमेशा देता है ये। 2020 के सेकेंड एग्ज़ाम में इनने स्पीकर का दिया था, और भी हमेशा ऐसे रहते हैं, फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन रही, यूनिवर्स कौन रही, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके सो फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा। ओके फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र में है अप्सरा। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। 2020 के सेकेंड एग्ज़ाम में आया था इसी का क्वेश्चन कि ये लॉन्च कब हुआ। ठीक है, आर्यभट्ट जो अपनी सैटेलाइट थी फर्स्ट इंडिया की, ये कब डेट आया था। वैसे रशिया ने की थी लॉन्च, पर डेट इज दिस 1975। तो चार ऑप्शन थे, 1975, 1981, 1980 एंड 82। तो 1975 वॉज द राइट आंसर। सो पहले एफ कैट हमेशा बस इतना पूछता था कि क्या नाम है, अब डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मैंने इन सबको यहाँ ऐसे भी मेंशन किया एंड आगे आपको डेट्स भी मिल जाएंगी थोड़ा डिटेल ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द WHO डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सो ये भी चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में, एंड इसके साथ आप WHO के जो भी डायरेक्टर जनरल हैं उनका भी नाम याद रखें। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज़ टेड्रोस। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन फिजिक्स CV रमन। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके देन फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बलदेव सिंह। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया KM करियप्पा और कोंडन डेरा मडप्पा करियप्पा इज द फुल नेम। ओके देन फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ओके फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। देन फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अमर्त्या सेन। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर वाइस प्रेसिडेंट ओके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें ओनली राधाकृष्णन भी दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको फुल नाम याद रखना है। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो बना था उमेश चंद्र बनर्जी। ये बना था 1885 में बाय AO ह्यूम। ओके AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके देन फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस इज़ बिफोर 1947। सो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटेक। देन फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HG कन्हैया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मवलांकर और गणेश वासुदेव मवलांकर। दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन एफ कैट 2020 सेकेंड एग्जाम। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके देन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबल प्राइज इन मेडिसिन हरगोविंद खुराना। इन्हें जीन्स पे काम किया था। ओके देन फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल SP सिन्हा। देन फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल RD कटारिया। द फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा 1929 में इन्हें किया था। देन फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन फिजिक्स CV रमन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। देन द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी इंडियन सिविल सर्विसेज सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके देन दी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर राधा कृष्णन। देन फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज रविंद्र नाथ टैगोर।
फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, ये आया हुआ है पहले, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड ये इंडिया की हैं, रीटा फारिया। देन फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जेम्स हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी भी नाम है इनका वैसे फुल नेम। एंड फर्स्ट जो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो इन्हीं ने किया था, ठीक है। देन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट दुर्गा बनर्जी, ठीक है, पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, कमर्शियल पायलट की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ इंडियन एयरलाइंस इन 1956। देन द फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर कमलजीत सांधो, देन फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC रोल मिलियन बैथ्यो, देन फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। ओके, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टेलन प्राइज सैफुद्दीन किचलो, देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आया हुआ है पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, हमने पहले देख लिया है। देन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, फ्री इंडिया दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट चरण सिंह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिसेस लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनी थी, ठीक है, चीफ जस्टिस। देन द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट मिसेस सुचेता कृपलानी, ठीक है, यूपी की बनी थी चीफ मिनिस्टर। देन द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंचन चौधरी भट्टाचार्य, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया मिसेस सरोजिनी नायडू, इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स कदम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु, तो इन्हें कदम्बिनी गांगुली प्रेसाइडेड दी INC सेशन इन 1990, ओके, जस्ट 5 ईयर्स आफ्टर इट वॉज स्टेब्लिश बाई ह्यूम। ओके, द फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट कामिनी रॉय, जस्ट वेट। ओके, द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर मिसेस किरण बेदी, द फर्स्ट वुमेन जज अन्ना चांडी इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1937, ओके 1937। द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी दयाल, फातिमा बीवी करके भी आता, इतना सा नाम पहले आया हुआ है क्वेश्चन, इतना ही नाम दिया था। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मिसेस एनी बेसेंट, ओके। देन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म मुरारजी देसाई, ये फर्स्ट थे, ठीक है, और भी केसेस रहे हैं पर फर्स्ट ही ये थे जिनने बिना टर्म के पूरे हुए रिजाइन कर दिया था। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राधा डॉक्टर राधा कृष्णन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। एंड द फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, ओके। द फर्स्ट वुमेन लॉयर कॉर्नीला सुरभजी, द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, आपने अभी एक पिक देखी होगी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, सो शी ऑल्सो बिकेम द लेफ्टिनेंट जनरल, बट फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इज द नेम इज दिस, ठीक है, पुनीता अरोड़ा। इन फेबर 2020 माधुरी कानेटकर बिकेम द थर्ड वुमेन टू बिकम अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द इंडियन आर्मी, ओके। सो दिस इज द नेम ऑफ द मैम जिनका जो पिक है बहुत वायरल हो रहा था कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे, तो ये थर्ड है, फर्स्ट इज पुनीता अरोड़ा, ओके। द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, कपूरथला से थी ये। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर करणम मल्लेश्वरी 2000 में, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स हरिता कौर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अग्नि चतुर्वेदी, शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट अलॉन्ग विद टू ऑफ हर कोहोर्ट्स मोहना सिंह चितरवाल एंड भावना कंत। द ट्राइब वॉज इंडक्टेड इन टू द इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन इन जून 2016, ओके। देन द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई राफेल फाइटर इज शिवांगी, ठीक है, ये कुछ टाइम पहले न्यूज पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और रफाल की बात करें तो ये फ्रांस से लिया गया है, डसॉल्ट एविएशन से, ओके। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली
मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली शानो देवी, देन द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस संतोष यादव, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल आरती साहा, इंपॉर्टेंट। ओके, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र इज नीरजा भानो। तो आपने मूवी देखी होगी नीरजा, तो ये वही है क्वेश्चन, अशोका अशोक चक्र किनको मिला, नीरजा भानो। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न मिसेज इंदिरा गांधी। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड आशा बोर्न। अभी अकितम को मिला था ये 2019 में, जो अभी ही डाइड इन 2020, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको दूसरी स्लाइड्स में मिल जाएगा उनका नाम भी। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबल प्राइज मदर टेरेजा। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन शेरपा एनजे डॉर्जी, विदाउट ऑक्सीजन। सो इसका मतलब है कि वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है एवरेस्ट में, तो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर जिन्हें किया है वो ये है। ठीक है, शेरपा एंगा डॉर्जी। ओके, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड श्री शंकर कुरूप। ओके, सो एफ कैट के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं, एफ कैट हमेशा ही ये क्वेश्चन देता रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो 10,000 रन इन ओडीआई फर्स्ट किसने बनाए, सो इंडियन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट प्लेयर हु हैड स्कोर 10,000 रन इन ओडीआई। ओके, सो मास्टर ब्लास्टर इन्हें सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, और ऐसे कई नाम जो निक नेम्स हैं एफ कैट देता रहता है कि क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, मैंने और स्लाइड्स में बनाया है ये भी। ओके, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय डेनिस एमिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये किया था ओल्ड ट्रैफर्ड में 1972 में, आप इतना याद रखिए काफ़ी है कि फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी किसने बनाई, दैट इज डेनिस एमिस। देन 1983 में कपिल देव बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ओडीआई टन। इंडियन जिसने बनाई है फर्स्ट, दैट इज कपिल देव। ठीक है, इंडियन की अगर बात करें तो 1983 में बनाई है इनने। ओके, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था जिसमें बनाई। द फर्स्ट सेंचुरी इन T20 मैच वॉज स्कोर्ड बाय क्रिस गेल। ठीक है, T20 में क्रिस गेल हैं जिनने बनाई है, वेस्ट इंडीज़ के हैं ये प्लेयर। ओके, एंड ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाई थी इनने। देन सुरेश रैना की बात करें तो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, दैट इज T20। तो जैसे कि ऊपर आपने देखा सेम वे में क्रिस गेल ने सेंचुरी बनाई है, वैसे हम इन टोटल देखें तो इफ आई टॉक अबाउट इंडियन प्लेयर तो वो सुरेश रैना है जिनने फर्स्ट सेंचुरी बनाई T20 में। ओके, चार्ल्स बैनरमैन, ये इन पे क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बता ही रहा हूँ कि एफ कैट देता रहता है, तो इन पे भी पहले आया हुआ है। बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन फ्रॉम एनी कंट्री टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी, फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इनने बनाई है इन द फर्स्ट एवर टेस्ट प्लेड। तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए कहाँ फर्स्ट टाइम खेला गया मैच, फर्स्ट एवर टेस्ट प्लेड कहाँ पे, मार्च में 1877 में इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया ऑन एट दी मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में, सॉरी मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जिसमें बैनरमैन ने स्कोर्ड 165 रन। ठीक है, देन लाला अमरनाथ भारद्वाज, लाला अमरनाथ भारद्वाज ये इंडियन क्रिकेटर की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने बताया सेम वे में ये इंडियन क्रिकेटर हैं जिनने सेंचुरी बनाई, फर्स्ट सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन की बात करें दो लाला अमरनाथ। ओके, लेट्स मूव एड इंडियाज चेतन शर्मा वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप मैच। ठीक है, हैट्रिक वर्ल्ड कप मैच में किसने लिया पहले, चेतन शर्मा। ठीक है, नाउ पाकिस्तान जलालुद्दीन बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक हैट्रिक इन ओडीआई क्रिकेट व्हेन ही डिड सो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पाकिस्तान जलालुद्दीन ने लिया किस में, ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, हैट्रिक। नाउ द फर्स्ट T20 हैट्रिक वॉज टेकन बाय ब्रेट ली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, ब्रेट ली ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था मैच केप टाउन में। ठीक है, एंड लसित मलिंगा इज़ दी ओनली बॉलर विद मल्टीपल T20 हैट्रिक्स। ठीक है, इनने काफ़ी हैट्रिक ली हुई हैं, बाकी जो फर्स्ट ली है T20 में वो है हैट्रिक ब्रेट ली ने। ठीक है, देन चार इज दी फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक इन T20 इंटरनेशनल, इफ आई टॉक अबाउट इंडियन देन द नेम इज चाहर,
उन्हें T20 में फर्स्ट हैट्रिक ली। वाइल बेस्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर मेल और फीमेल। ओके, अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करें किसने पहले ली, सो द नेम इज़ बेस्ट, ये विमेन क्रिकेट टीम में इंडिया की में थी। देन चाहर, अगर हम मेल क्रिकेट टीम की बात करें इंडिया की, तो द नेम इज़ चाहर, वरना बेस्ट। ठीक है, इन टोटल हम बात करें तो। देन ऑस्ट्रेलियन बॉलर फ्रेड स्पोफोर्ड टुक दी फर्स्ट हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, 1879 में नहीं ली थी, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। ओके, जस्ट टू वेट, या सो ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पिकअप टेस्ट हैट्रिक। ठीक है, टेस्ट हैट्रिक में फर्स्ट किसने लिया, हरभजन सिंह ने, इंडियन। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था, हुआ कहाँ था, कैलकाटा में। एंड आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कैलकाटा को लेके, जो फर्स्ट अभी इंडिया का मैच हुआ था पिंक बॉल से जो खेला गया टेस्ट मैच, वो भी कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, देन आफ्टर विच लेफ्ट आर्म पेसर इरफान पठान रिपीटेड द फीट व्हेन ही टुक 3 विकेट्स ऑफ कॉन्जेक्यूटिव बॉल्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन कराची इन 2006। तो इनके बाद, रन के बाद, ये पेसर हैं जो अपने लेफ्ट आर्म इरफान पठान, इनने भी लिया है, बट फर्स्ट आपको याद रखना है दैट इज़ हरभजन सिंह, दैट इज़ इनफ। देन रोहित शर्मा इज़ द हाईएस्ट इंडिविजुअल रन स्कोरर। तो आप लोगों को पता होगा श्रीलंका के अगेंस्ट इनने 264 रन्स बनाए थे ओडीआई मैच में। ठीक है, 50-50 वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें। सो रोहित इज़ दी ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 3 डबल सेंचुरीज इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, 3 डबल सेंचुरीज इज डबल सेंचुरीज 200। ओके, तो 3 बार इन्हें बनाए हैं ये, तो ही इज़ दी ओनली वन, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन ब्रायन लारा हैज़ द हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट का इनका हाइएस्ट है ब्रायन लारा का, वेस्ट इंडीज़ के हैं ये प्लेयर। ठीक है, 400 रन बनाए थे इनने अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, थोड़ा याद रख सकते हैं आप अगेंस्ट भी, क्योंकि पूछ सकता है एफकेट, क्योंकि अब लेवल बढ़ा रहे हैं एफकेट वाले धीरे धीरे एग्जाम्स में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डेप्थ में, तो अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, देन इनसे पहले जो था वो 380 रन का था, मैथ्यू हेड। ओके, सो इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा, सैटरडे इग्नोर करें आप, सो इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड टू स्कोर 500 इन। तो ये सिंगल वर्ल्ड कप जो भी हुआ, उस एक ही वर्ल्ड कप में जिस ईयर का था उसमें 500 बनाए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए आप। देन श्रीलंका चामिंडा वॉज हैज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 8 विकेट्स ऑल इन सिंगल मैच। एक ही मैच में इन्हें लिए 8 विकेट्स। ठीक है, द नेम इज़ चामिंडा वॉज, ये श्रीलंकन प्लेयर हैं। ठीक है, ये मैच था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ठीक है, इन 2001। देन द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम एंड ओडीआई श्रीलंका मुथैया मुरलीधरन, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इन्हें। ठीक है, तो हाइस्ट विकेट टेकर जो हैं ओडीआई के, वो ये हैं। देन द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम इन इंटरनेशनल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में भी यही हैं, ओडीआई में यही हैं, टेस्ट में भी श्रीलंका मुथैया मुरलीधरन। द स्पिन बॉलर टुक 800 विकेट्स इन टेस्ट करियर स्पैनिंग फ्रॉम 1992 टू 2010। ठीक है, याद रखिए आप, ओडीआई में एंड टेस्ट में दोनों में द नेम है श्रीलंका मुथैया मुरलीधरन। ओके, द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल T20s। ठीक है, T20s में कौन है, ए बी श्रीलंका के हैं, लसित मलिंगा। द पेस बॉलर हैज़ टेकन 107 विकेट्स इन करियर स्पैनिंग फ्रॉम 2006 टू 2020। ठीक है, तीनों श्रीलंकन प्लेयर ही हैं विकेट टेकर में जो हाईएस्ट हैं। तो आपको याद रहेगा ओडीआई एंड टेस्ट में जो है वो है मुथैया मुरलीधरन, एंड इन इफ आई टॉक अबाउट T20 देन द नेम इज लसित मलिंगा। देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2020 के सेकेंड एग्जाम में आया था, कॉमनवेल्थ का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ थे। तो आपको ये तो याद रखना ही है कि फ्यूचर में कहाँ हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको फर्स्ट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का, कि फर्स्ट कहाँ हुए थे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स टुक प्लेस इन 1896 इन एथेंस, ये कहाँ है, ग्रीस में। ठीक है, तो एथेंस आए तो भी आपको ये एथेंस भी नाम याद रखना है, ग्रीस आ रहा है डायरेक्टली तो ग्रीस भी याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, तो इसमें 280 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम 13 नेशंस कम्पीटिंग इन 43 इवेंट्स हुए थे। ठीक है, सिंस 1994 द सर समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड सेपरेटली एंड हैव ऑल्टरनेटेड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 1994 में स्टार्ट हुआ है समर एंड विंटर ओलंपिक्स वाला, कि दोनों होंगे। ओके, सो नाउ दिस द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आपका कॉमनवेल्थ आ चुका है,
तो हो सकता है एशियन या ओलंपिक्स में से एक आ जाए इस बार। तो एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951, ठीक है। सो एशियन गेम्स वर रेगुलेटेड बाय एशियन गेम्स फेडरेशन। कौन रेगुलेट करता है? एशियन गेम्स फेडरेशन। फ्रॉम 1951 टू 1978, सिंस 1982, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नाउ रेगुलेट्स द एशियन गेम्स, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2020 के सेकेंड एग्जाम में आया है एफकैट में, इन 1930 हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है, तो इन्हें ऑप्शन में दिया था हैमिल्टन, ऑप्शन था ये 2020 सेकेंड एग्जाम में। सो द आंसर वॉज दिस हैमिल्टन, कैनेडा, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। देर वर 400 एथलीट्स, ठीक है, 6 स्पोर्ट्स, 59 इवेंट्स, ठीक है। देन गेम्स हैव बीन कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स, एक्सेप्ट कब दो बार नहीं हुआ, तो ये है 1942 एंड 46 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो उस वजह से ये भी याद रखिए आप कि उस वजह से दो बार नहीं हुआ 1942 एंड 1946 में। ओके सो लेट्स, सो सिंबल, सिंबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफ कैट बिकॉज पहले आया हुआ है ये सिंबल्स का। जस्ट वेट। ओके, तो सिंबल्स का पहले क्वेश्चन आया हुआ है ओलंपिक का, ये आया था कि जो ओलंपिक का ये लोगो है इसमें कौन कौन से कलर की रिंग्स है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे 5 कलर्स दिए हुए थे, तो राइट आपको सेलेक्ट करना था जो ग्रुप ऑफ कलर्स है जो रिंग में है, ठीक है। तो सिंबल्स भी इसलिए लोगोज ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो ये पहले आया है इसका मैं बता दूँ, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो एंड ब्लू, ठीक है, ये सब है ओलंपिक गेम्स के सिंबल में, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट लोगो। देन बर्मिंगम में होने वाला है 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये इंग्लैंड में है, ठीक है, वहाँ पे होने वाला है। तो सारे गेम्स इंपॉर्टेंट है वैसे, तो आगे वो भी देखते हैं। ओके, सो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये इंपॉर्टेंट है। पहले एफ कैट ओनली फुल फॉर्म पूछा करता था स्टार्टिंग में, सॉरी ओनली फुल फॉर्म था इंपॉर्टेंट। तो अब फुल फॉर्म के साथ में हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट, हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है सबके, एंड एट द सेम टाइम डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 के सेकेंड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस में डेट्स पूछा था कि कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ UNO, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, 1945 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड दैट इज़ यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स, USA में 1946 में स्टार्टेड। देन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ये हेडक्वार्टर्स इसका, एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1964। ओके, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना की सिचुएशन में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1948 में स्टार्टेड। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेड्रस, ठीक है। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले आया हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जिनेवा में है स्विट्जरलैंड, 1919 में इट स्टार्टेड। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा में है, देन स्विट्जरलैंड में है, 1995 में स्टार्टेड। देन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ यूनेस्को, पेरिस में है फ्रांस में, 1945 में स्टार्टेड। यूनेस्को साइट से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ऑल यूनेस्को साइट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आगे की स्लाइड्स में यूनेस्को ऑर्गेनाइज, यूनेस्को की जो भी सर्टिफाइड साइट्स हैं इंडिया में वो भी कवर किया है एक हिस्ट्री के वीडियो में, तो यू कैन वॉच दैट एज वेल। ओके, 1945 में स्टार्टेड, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस फ्रांस। देन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका भी जेनेवा में है, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, स्टेब्लिश्ड इन 1950। ओके, देन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, हेडक्वार्टर्स इज इन काठमांडू नेपाल, 1985 में स्टार्टेड, ठीक है। आगे मैंने कवर किया है इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं कि वो कई बार पूछ लेते हैं। देन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दैट इज एशियन, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर्स है, स्टार्टेड इन 1967। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,
आईएईए इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है वियना में, ठीक है, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, स्टार्टेड इन 1957। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, वियना में हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया में, 1960 इट वॉज स्टेब्लिश इन 1960। देन इंटरनेशनल मोनिटरी फंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2020 के एफ कैट में, तो इंटरनेशनल मोनिटरी फंड IMF हेडक्वार्टर्स इज इन वॉशिंगटन DC, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्टेब्लिश 1945। देन वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर्स अगेन देन स्टार्टेड इन 1945, ठीक है। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ IMO हेडक्वार्टर्स इज इन लंडन, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम एंड 1959 में इट वॉज स्टेब्लिश। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल AI हेडक्वार्टर्स इज इन लंडन UK एंड स्टेब्लिश इन 1961। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, हेग में है इसका, जो कि है नीदरलैंड्स में, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड्स में है एंड स्टेब्लिश्ड इन 1945। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर्स है रोम में, ठीक है, इटली में, एंड ओके देन वेट ओके देन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज़ WWF, ओके ग्लैंड वॉर्ड, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड याद रखना, 1961 में इट वॉज स्टेब्लिश। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज़ WEF, इसका भी स्विट्जरलैंड में है, 1971 में इट वॉज स्टेब्लिश। देन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC दुबई में है इसका हेडक्वार्टर्स, दैट इज़ इन UAE, 1909 में इट वॉज स्टेब्लिश। देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ठीक है, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में 1948, ओके। देन नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाटो, दैट इज़ इन ब्रूसेल्स बेल्जियम में है हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इसमें नॉर्दर्न जो ये नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1949 जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू चेक द पावर ऑफ रशिया, जो रशिया कुछ कर सकता था ऐसा था, रशिया और आई शुड से USSR, उस टाइम USSR हुआ करता था, तो उसके लिए एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है, दैट इज़ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। देन अगेन फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे अभी 2020 के सेकंड में बैंक से रिलेटेड आया था, तो ये फर्स्ट ये वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951, ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड प्रेजिडेंशियल ऑर्डर से हुआ था, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, 1951 में, ठीक है, ठीक है, इनने ये ऑर्डर दिया 1951 में, एंड वॉज फाइनली जो ये बना वो हुआ 1952, ठीक है। देन अमंग दी फर्स्ट बैंक्स वर दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट बैंक, ठीक है। अलाहाबाद बैंक स्टेब्लिश्ड इन 1865, अलाहाबाद बैंक इज़ दी ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है, ये खुला था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बट ये ब्रिटिशर्स ने ओपन किया था, ठीक है। द कैलकटा हाई कोर्ट वॉज दी डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट, सो फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे ओपन हुआ था, कैलकटा में। इवन आपको याद होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, जिनके पास ज़्यादा पावर्स थी एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे हेड्स थे बॉम्बे एंड मैड्रास में, ठीक है। तो उसी तरीके से याद रखना कि फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ ओपन हुआ, कैलकटा में, ठीक है। देन स्माइलिंग बुद्धा वॉज दी असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 18th of May 1974, द बॉम्ब वॉज डिटोनेटेड ऑन दी आर्मी बेस पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान। और 2020 सेकेंड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, डेट पूछा था कब हुआ था, सो डेट वॉज 18th of May 1974, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम असाइन किया था, फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, सेकेंड कहाँ हुआ था, सेकेंड पोखरण में, ठीक है। ये भी सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे पोखरण में हुआ, ये कब हुआ, 1998 में, ठीक है, 1998 मई 1998, दोनों मई में ही हुए थे, तो याद रखिएगा 1974
एंड 1978 हो गए। सो पृथ्वी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस बाय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पृथ्वी थी क्या फर्स्ट इंडिजनसली डेवलप्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई, पृथ्वी। ठीक है, देन आर्यभट्टा जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, द आर्यभट्टा स्पेस क्राफ्ट नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। इट वॉज कम्प्लीटली डिजाइंड एंड फेब्रिकेटेड इन इंडिया एंड लॉन्च बाय सोवियत कॉस्मोस 3M। ठीक है, एंड फ्रॉम कबूस इंडिया। तो 1975 में ये हुआ जिसका क्वेश्चन आया था 2022 एफकैट में, डेट का पूछा था। तो 1975 में हुआ, ईयर पूछा था उसमें, एंड सोवियत ने किया था अपने इस रॉकेट से कॉस्मोस 3M। ओके, तो इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन आया हुआ है एफकैट में, नेम्स एंड निकनेम क्रिकेटर्स के पूछ लेते हैं कि किस किस का है ये नाम जिससे ये जाना जाता है। तो ठीक है, सो रोहित शर्मा, हिटमैन, शाना और आरओ। ठीक है, देन मुरली विजय, दी मॉन्क, हार्दिक पांड्या, हेरी या रॉक स्टार। ठीक है, थोड़ा ब्रीफली आप याद रख सकते हैं सब। देन रविंद्र जडेजा, जाडू, ये सब आपको पता होगा। युवेंद्र चांचल, ठीक है, चांचल को यूजी के नाम से। देन शिखर धवन, जाट एंड गब्बर, ये क्वेश्चन आया है पहले। देन ए बी डिविलियर्स, ई बी डी और मिस्टर 360, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कपिल देव, द हरियाणा हरिकेन, ठीक है, ये कपिल देव के हैं। देन एम एस धोनी, थाला, एम एस डी, माही एंड कैप्टन कूल। देन दी बॉल, राहुल द्रविड़, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। ठीक है, देन सौरभ गांगुली, प्रिंस ऑफ कैलकटा, गॉड ऑफ ऑफसाइड एंड दादा। ओके, सुनील गावस्कर, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है एफ कैट में, सुनील गावस्कर का लिटिल मास्टर था। और बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर करके आए थे, तो लिटिल मास्टर है सुनील गावस्कर। देन क्रिस गेल, वर्ल्ड बॉस और मिस्टर T20। ठीक है, देन मैथ्यू हेडन, हाइडोस या बिग फिश। ठीक है, देन डेविड हसी, इनको हस, बॉम्बर या जूनियर मिस्टर क्रिकेट। अनिल कुंबले, जम्बो। ठीक है, वी वी एस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल, इनको बिग शो भी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले बिग शो नहीं, क्रिकेट में इनको निक नेम जो इनको दिया हुआ है दैट इज़ बिग शो। देन रिकी पॉन्टिंग, पुंटर। देन सुरेश रैना, मिस्टर IPL एंड चिन्ना थाला। ठीक है, देन वीरेंद्र सहवाग, वीरू और नवाब ऑफ नजफगढ़। ठीक है, नजफगढ़। देन सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर एंड टेंडलिया। ठीक है, देन इफ विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड जो निक नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हुएन सांग, ठीक है, ये ट्रैवलर थे, इनके बारे में हिस्ट्री में बात करेंगे, हिस्ट्री के जो लेक्चर्स होंगे उनमें कि किस एम्परर के टाइम इंडिया में आए थे, ये क्वेश्चंस आते हैं तो हिस्ट्री वाले में आपको ही मिल जाएगा। तो हुएन सांग किसके टाइम में आए थे, वो चीज़, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ हेवन। ठीक है, हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, देन नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कॉर्पोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क, मेड ऑफ ऑर्लियंस, क्वीन एलिजाबेथ I, मेडन क्वीन। देन एडॉल्फ हिटलर, फ्यूरर, ऑटो वैन बिस्मार्क, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, मार्क ट्वेन, सैमुअल क्लेमेंस, एडमंड स्पेंसर, पोएट्स पोएट। देन चंगेज खान, सॉरेज ऑफ गॉड। देन पर्ल बक, ली क्वान को बोलते थे। देन जी ऑफरी, ये है फादर ऑफ इंग्लिश पॉटरी, जॉफरी। देन जनरल एरविन रोमिल, डेजर्ट फॉक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जनरल एरविन रोमिल। ओके, इंडिया में जो ऐसे नेम्स दिए हुए हैं, ये महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, किसने बोला था फादर ऑफ द नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पे। देन बापू और महात्मा। ठीक है, खान अब्दुल गब्बार खान, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान। देन दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन वाल्मीकि, आदि काव्य।
ठीक है, देन नागार्जुन, इंडियन आइंस्टीन बोलते हैं इन्हें, देन लाल बहादुर शास्त्री, मैन ऑफ पीस, देन सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, चाचा या पंडित जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु भी इन्हें बोला गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है देश रत्न एंड अजात। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्ट्रांग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे वो भी बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है गुजरात में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन पीटी उषा, उड़न परी, देन रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व कवि, कवि गुरु एंड गुरुदेव। इन्हें दो कंट्रीज़ का नेशनल एंथम लिखा है, फर्स्ट इज़ इंडिया एंड देन अदर वन इज़ बांग्लादेश का। ठीक है, देन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, साहित्य सम्राट, देन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, कथा शिल्पी, देन लॉर्ड बुद्धा, एनलाइटेंड वन बोला जाता है इन्हें, लॉर्ड बुद्धा को। देन ध्यानचंद, मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है, सरोजनी नायडू, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर, स्वर कोयला, सॉरी स्वर कोकिला, देन इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, सी राजा गोपाल चरी, इन्हें सी आर या राजा जी। ठीक है, देन सी एफ एंड्रूज, दीन बंधु, दीन बंधु और देश बंधु अलग अलग हैं याद रखना, दीन बंधु इज सी एफ एंड्रूज एंड रंजन दास, चित्तरंजन दास ही इज देश बंधु। ठीक है, यदेंद्र मोहन सेन गुप्ता देश प्रिय, टी प्रकाशम आंध्र केसरी, आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी। ठीक है, देन लाला लाजपत राय, ही वॉज वन ऑफ दोज लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय बंगाली टाइगर, देन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पंजाब केसरी, लोकमान्य लोकमान्य पंजाब केसरी बाल गंगाधर तिलक, देन लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, टुगेदर नोन एज लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में पहले आया है कि लाल बाल पाल में लाल कौन था। ठीक है, तो याद रखें लाल बाल पाल इज लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, टीपू सुल्तान को बोलते थे मैसूर टाइगर। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर टाइगर, देन समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, देन आमिर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया, ये पहले आया हुआ है, काफ़ी लोग सोचते हैं इसका आंसर जहांगीर है। ठीक है, तो आमिर खुसरो को बोलते थे पैरट ऑफ इंडिया या तोता है हिंद। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल अबिदीन। ठीक है, देन राजा राममोहन रॉय मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ठीक है, राजा राममोहन राय को जो राजा का ये टाइटल था ये दिया था अकबर सेकंड ने। देन दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मदर टेरेसा ऑल्सो नोन एज मदर, देन सुभाष चंद्र बोस नेताजी एंड पेट्रियट्स ऑफ पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। देन टीम्स की बात करते हैं, टीम्स को भी जो कॉमन टाइटल ये पहले ऑस्ट्रेलिया का पूछा है एफ कैट में, सो टीम्स की बात करें तो श्रीलंकन जो नेशनल क्रिकेट टीम है उन्हें लायंस। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ग्रीन शर्ट्स या शाहीन्स। ठीक है, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ब्लू टाइगर्स, मैन इन ब्लू या ब्लूज, बांग्लादेश क्रिकेट टीम टाइगर्स, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ब्लैक कैप्स और कीवीज। ठीक है, देन वील टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ नेशंस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल स्टार्ट विद G4। ठीक है, G4 किन को बोलते हैं, यह है जिसमें कंट्रीज हैं जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये एक दूसरे का फेवर करती हैं परमानेंट सीट लेने के लिए UNSC में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हम आगे देखेंगे, एंड G4 में ये 4 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की, पर बनना चाहती हैं। ओके, देन G7, वेट, देन G7, G8 एंड G20। ठीक है, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, G7 में है ये, ठीक है, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली एंड जापान, देन G8 में
रशिया इंक्लूड किया था G7 में, उससे नाम G8 हो गया था। ठीक है, नाउ रशिया इज़ नो मोर इन दिस ग्रुप G8, तो अगेन दिस ग्रुप इज़ नोन एज नाउ G7। ठीक है, रशिया था वो जिसकी वजह से नाम G8 हुआ था, एंड देन नाउ अगेन इट्स G7। G20 में ये कंट्रीज नाउ इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, टर्की, यूरोपियन यूनियन, देन अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया सॉरी, देन सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। देन G7 मेंबर्स, देन G7 जो समिट हुआ 45th, जो कि 2019 में हुआ था, ये हुआ फ्रांस में, इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। ठीक है, फ्रांस में जो G7 समिट हुआ, देन दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन 46th जो हुआ 2020 होस्ट कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। देन 47th 2021 में यूनाइटेड किंगडम दैट इज लंदन में सॉरी ब्रिटेन में ये होगा। देन 48th दैट इज 2022 जर्मनी, 49th के लिए 2023 जापान। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर G7 मेंबर्स, कैनेडा ओके, यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ अमेरिका से ये दो हैं, देन वन इज़ जापान जो कि इधर से है, एंड बाकी जो चार कंट्रीज़ हैं वो इधर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप में देखेंगे तो याद रहेगा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। देन G20 की बात करें तो 14th जो था, जो कि 2019 में हुआ, जापान ओसाका में हुआ था, जापान में है ये। देन 15th इज 2020 का जो हुआ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, सऊदी अरेबिया ने इसे स्टार्ट किया। ठीक है, तो 2020 का सऊदी अरेबिया, 2021 का जो होने वाला है दैट इज 16th G20 समिट इटली, देन 17th 2022 में जो होने वाला है 17th दैट विल बी इन इंडोनेशिया ओके, देन इंडिया विल बी होस्टिंग दिस 2023 दैट इज 18th समिट ऑफ G20 कंट्रीज, देन 19th दैट विल बी इन 2024 ब्राज़ील। ठीक है, एंड यहाँ मैप में भी मैंने दिखा दिया है सारे कंट्रीज़, जैसे कि आप इजीली देख के रिलेट कर पाएँ एंड इजीली याद रहे। ठीक है, नौ P5 नेशंस, जो मैं बात कर रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये, तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, ये है USA, इधर से इधर हम देखें तो रशिया एंड चाइना। ठीक है, देन UK, फ्रांस, ठीक है, यही हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विनर्स, साइबर से विनर्स थे, तो ये P5 नेशंस हैं, परमानेंट 5 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इनके पास वीटो पावर होता है। ठीक है, नाउ बिमस्टैक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कौन मेंबर है कौन नहीं है। ठीक है, दो बिम्स्टेक के जो मेंबर है वो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। इस तरीके से याद रखना कि बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल आया, तो मतलब बे ऑफ बंगाल के इधर जो हैं कंट्रीज वो होंगी, तो यहाँ थाईलैंड से स्टार्ट हो गए, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, देन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स है काठमांडू नेपाल में, 1985 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन दोनों के मेंबर कंट्रीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना। सार्क एंड बिम्स्टैक की बे ऑफ बंगाल वाली में आपने देखा इधर के कंट्रीज़ थे जो बे ऑफ बंगाल में थे। ठीक है, ये तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड है, और ये दो नहीं है जो इसमें होंगे आपके सार्क में, इधर वाले दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इस तरीके से याद रखना, यहाँ बीच वाले ओके। नाउ SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ठीक है, नाउ 2001 में उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ, 2017 में ऐड हुए इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, समिट्स की बात करें तो कर्गिस्तान बिश्केक में 2019, ठीक है, बिश्केक में 2019
देन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ 2020 में रशिया में, रशिया ने होस्ट किया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। देन 2021 में दुशानबे, दैट इज़ इन ताजिकिस्तान। देन 2022 में होगा समरकांड में, जो है उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। देन ब्रिक्स अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप, ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वह ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले नाम ब्रिक था, BRIC, ऐसे ऐड हुआ साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद। समिट्स की बात करें तो जो फर्स्ट हुई थी वो हुई रशिया में, ठीक है, 2019 ब्राज़ील, ब्रसीलिया यहाँ पे हुई है ब्राज़ील में 2019। 2020 अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रशिया में हुई, SCO भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रशिया में हुई थी। देन इंडिया में जो होगा ब्रिक्स गेम्स होगा 2021 में, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आता है इनसे रिलेटेड काफ़ी बार, फीफा एंड क्रिकेट। सो लेट्स स्टार्ट विद फीफा। 1930 में उरुग्वे साउथ अमेरिका फर्स्ट यहाँ हुआ था। 2020 के सेकंड में कॉमनवेल्थ के आने के बाद कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स इवेंट फर्स्ट टाइम कहाँ हुए थे, फ्यूचर में कहाँ हो रहे हैं दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट कहाँ हुए थे दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1930 उरुग्वे साउथ अमेरिका में है ये कंट्री, ये फर्स्ट यहाँ हुआ। 2018 रशिया। 2022 कहाँ हो रहा है, कतार। 2026 नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर होस्ट करने वाली हैं। नाउ इंडिया विल होस्ट द 2022 फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, एंड कोस्टा रिका 2022 में ही अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट कर रही है इसको, जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का, ठीक है। नाउ फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में, उसकी होस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मिलके कर रही हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देन मेंस अंडर 20 वर्ल्ड कप जो होगा विल बी होस्टेड बाय इंडोनेशिया इन 2023, अंडर 20। देन मेंस में अंडर 17 की बात करें तो वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय पेरू इन 2023। क्रिकेट नाउ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय इंडिया। नाउ इंडिया विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, ठीक है, इंडिया विल होस्ट दिस T20। देन 2020 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप विद सेवेंथ ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, ये होने वाला है। द फाइनल टुक प्लेस एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। होस्टेस के जो थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, और जो होस्ट ऑस्ट्रेलिया था वही टूर्नामेंट जीता भी। ये मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2020 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया एंड ऑस्ट्रेलिया ही विनर थी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की 2020। देन 2023 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 में जो होगा होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड लास्टली 2022 में जो वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है, 2022 में वर्ल्ड कप, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल, नॉट 2020। तो 2022 का ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड। नाउ ओलंपिक गेम्स, जैसे कि मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ का आ चुका है इसमें 2020 के सेकेंड एग्जाम में, तो ओलंपिक गेम्स जो हुए फर्स्ट एथेंस ग्रीस 1896। नाउ टोक्यो जापान 2020 के जो हैं वो होने वाले थे पर कोरोना की वजह से नहीं हुए, दो विल टेक प्लेस इन 2021, ठीक है, ओलंपिक गेम्स, ठीक है। मैरिथोवा जो है ये ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ समर ओलंपिक्स जो हो रहे हैं, होने वाले हैं, एंड सुमिति मैस्कॉट ऑफ समर पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, ये पैरा ओलंपिक्स के हैं जो मैस्कॉट हैं, एंड ये मैरिथोवा जो है ये समर ओलंपिक्स के और ये पैरा ओलंपिक्स। देन बीजिंग चाइना में 2022 का, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये होने वाला है 2022 का बीजिंग में चाइना में, चियोफुल पांडा कॉल्ड बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, बिंग ड्वेन ड्वेन ये हैं चूजन एज द ऑफिशियल जो मैस्कॉट ओलंपिक गेम्स के लिए चूज़ किया 2022 के, जो चाइना में होंगे फॉर दी विंटर गेम्स उनके लिए। एंड फीफी और डिवाइन बर्ड
विल बी मैस्कॉट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा के जो है मैस्कॉट वो डिवाइन बर्ड फीफी एंड बिंग ड्वेंडवेन, ये चेयरफुल पांडा, ये जो होंगे ये ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, देन पेरिस फ्रांस में 2024 में जो होंगे ओलंपिक गेम्स वो पेरिस में होंगे फ्रांस में। ठीक है, देन ये जो हैं ये इटली में होंगे 2026 के। ठीक है, 2026 ओलंपिक गेम्स इटली में, 2028 लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ होने वाले हैं 2028 के। देन होस्ट सिटीज़ फॉर यूथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स, देन लॉजिनिया स्विट्जरलैंड में है 2020 का, देन सेनेगल ये कंट्री है अफ्रीका में, तो यहाँ पे 2022 का जो होंगे यूथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स। देन साउथ कोरिया, गैंगवन साउथ कोरिया, यहाँ पे 2024 के। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप सही से देख लीजिए पॉज करके भी यहाँ पे एक बार। देन कॉमनवेल्थ, ये मैंने जैसा कि बताया आया हुआ है सेकेंड 2022 एफ कैड में 1930 में हैमिल्टन कनाडा फर्स्ट कॉमनवेल्थ। 2018 में जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में 21st था वो, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2022 का जब हमने सिंबल्स देखे तो हमने देखा था इंग्लैंड में होने वाला है 2022 का, बर्मिंगम में इंग्लैंड 2022 का, दैट विल बी 22nd। ओके, देन एशियन गेम्स की बात करें तो 1982 में फर्स्ट हुए न्यू दिल्ली में, वी ऑलरेडी नो दिस। देन जो ये हैं 18th, ठीक है, 2018 में जो हुए वो इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स। देन 19th की बात करें तो 2022 में चाइना हैंगझो में होंगे, मैस्कट विल बी मेमोरीज ऑफ जियांगनान। ठीक है, अब ये जो है इसमें तीन है ये कॉन्ग कॉन्ग, देन लियान लियान एंड चैन चैन, तो आप ये देख लीजिए, थोड़े डिफिकल्ट नाम है पर याद आ जाएंगे, बहुत डिफरेंट नाम है तो आराम से याद रहेंगे, एग्जाम में देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है, मेमोरीज ऑफ जियांगनान में कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चैन चैन। देन 2026 जापान में होंगे 20th जो एशियन गेम्स होंगे, एंड 2021 2030 कतार में होंगे, 2030 में जो होंगे 21st एशियन गेम्स कतार में होंगे। ओके, सो टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एफ कैट दिया है तो हर बार हर एग्जाम में एफ कैट हर बार देता है एक कोई टर्म। ठीक है, तो अभी टेनिस से रिलेटेड थी, ड्यूस पूछा था कि ड्यूस क्या होता है। तो एथलेटिक्स की बात करते हैं, रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, होर्डल्स, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड क्रॉस कंट्री, ये सब टर्म्स किससे रिलेटेड है, एथलेटिक्स से। देन बेसबॉल, पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक एंड पुट आउट। पुट आउट पहले आया हुआ है एफ कैट में, तो पुट आउट किससे रिलेटेड है, बेसबॉल। देन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछे हैं, आगे मैंने बताया प्लेयर्स का भी, तो वहाँ देखेंगे फिर से। देन बास्केटबॉल से रिलेटेड है फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, अंडर हेड, टेक्निकल फाउल, ओवर हेड एंड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आप याद रखिएगा, ले अप, वो भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, एंड रीबाउंड बास्केटबॉल से रिलेटेड है वो भी। देन ब्रिज, ब्रिज से रिलेटेड आया हुआ है पहले मास्टर पॉइंट, देन ग्रैंड स्लैम, देन परफेक्ट डील्स, देन डमी, देन ट्रम्प। ठीक है, देन बात करें बॉक्सिंग की तो नॉकआउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, किडनी पंच, देन टाइमिंग, फुटवर्क, एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, ब्रॉलर, देन ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड, देन कॉट कोल्ड, क्लिंच, कॉर्कस्क्रू। ठीक है, देन जॉ, हेमेकर, लिवर शॉट, लो ब्लो, देन मॉलर, देन न्यूट्रल कॉर्नर, देन प्लॉडर, रिंग, रिंग जनरलशिप, सॉरी,
एंड रफ हाउसिंग, साउथ पॉ, स्पार, देन स्टेबल मेट, टेक्निकल नॉकआउट, देन वॉकबाउट एंड विस्कोस। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, पर आप एक बार अगर रीडिंग कर लेंगे तो याद रहेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक रीड कर लीजिए एंड पॉज करके एक बार फिर और देख लीजिए। देन चेस, चेस की बात करें तो गैम्बिट, मूव, रिजाइन, ठीक है। देन स्टेलमेट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, देन किंग्स इंडियन डिफेंस, ठीक है। देन क्रिकेट, टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, हैशेस, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, हिट विकेट, गुगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, देन डेड बॉल, मेड इन ओवर, ओवर थ्रो, बाय, लेग बाय, कवर, कवर ड्राइव, लेट कट, देन हुक एंड ग्लांस, स्ट्रोक, शॉट, पुल, सिक्सर, फॉलो थ्रो, देन टर्न, बाउंसर, हैट्रिक। हैट्रिक का जो विकेट्स वाला बताया मैंने आपको पहले, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फर्स्ट किसने हैट्रिक ली है T20, ODI एंड टेस्ट क्रिकेट में। देन राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सीमो, देन बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर लेग, देन रनर, कवर, यॉर्कर, गली, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, डीप मिड विकेट। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये सब टर्म आपको पता होंगे, फिर भी एक बार रीड कर लिया, एक बार आपने सुन लिया तो ये रहेंगे दिमाग में, सो देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस। देन हॉर्स राइडिंग, 3 डे इवेंट होता है। देन ड्रेसेस शो, सो हॉकी से रिलेटेड बात करें तो बुली, ये पहले आया हुआ है बुली, देन शॉर्ट कॉर्नर, देन हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, देन पुशन, कट, स्कूप भी पहले आया हुआ है, देन ड्रिबल, देन सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रो डर्व, सडन डेथ, देन लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरीड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल एंड अंडर कटिंग, ठीक है। अंडर कटिंग भी पहले आया हुआ है स्टार्टिंग में, जब एफकेट स्टार्ट हुआ था अंडर कटिंग भी पहले आया हुआ है। देन स्विमिंग से बात करें तो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, लेन, पूल एंड क्रॉल। टेनिस का 2022 में आया था ड्यूस, ठीक है, जो मैंने बताया ड्यूस आया था, ठीक है। सो सर्विस ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके, ये आपको मेरे करंट अफेयर्स का जो वीडियो है उसमें आपको 2019 के ग्रैंड स्लैम जो विनर्स हैं और जो जिनको डिफीट किया उनने, जो सेकंड रहे, क्योंकि पहले पूछा हुआ है कि ग्रैंड स्लैम, एक पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम दिया था जैसे विंबलडन में जो विनर था इनने किसको हराया, तो करंट अफेयर्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे सारे ग्रैंड स्लैम के विनर्स एंड जिनको हराया उनने 2019 एज वेल एज ऑफ 2020, ठीक है। ग्रैंड स्लैम, देन ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश शॉट, ब्रेक ग्लास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले एंड बेस लाइन। देन इफ विल टॉक अबाउट द शूटिंग, वी हैव रैपिड फायर पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज, बुल्स आई, ठीक है। देन टेबल टेनिस, वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हेड एंड चॉप, चॉप पहले आया हुआ है, ठीक है, एंड चॉप, ठीक है। देन वॉलीबॉल, स्पाइकर्स, बूस्टर, ड्यूस, ड्यूस इसमें भी यूज़ होता है एंड टेनिस में भी, जब लास्ट में टाई हो जाता है ना तो आपको कंटिन्यूसली 2 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, ये एफ कैट में आया था 2022 में, तो कंटिन्यूसली 2 पॉइंट स्कोर करने होते हैं जिसको हम ड्यूस बोलते हैं कि ड्यूस हो गया। देन स्मैश, साइड आर्म, पेनिट्रेशन, देन वेलकम टू रेसलिंग, फ्री स्टाइल, पॉइंट, हल नेल्सन एंड हीव,
इफ विल टॉक अबाउट वेट लिफ्टिंग, इसके भी पहले आए हुए हैं डेडलिफ्ट, जर्क, देन स्नैच, क्लीन एंड जर्क, स्क्वाट, एंड वन मोर टर्म इज देयर दैट इज कॉल्ड बेंच प्रेस, देन पोलो, पोलो बंकर, मैलेट एंड शॉकर, देन जूडो, कोकोआ, वाइट, ब्लू, ग्रीन बेल्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा जूडो में ये सब बेल्ट्स होती हैं। देन जिमनास्टिक्स, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुश पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइज एंड अनइवन बार एंड सिटअप, सिटअप। ठीक है, स्क्वाट्स भी होता है इसी में, वो हम वेट लिफ्टिंग में भी है ये स्क्वाट्स। ठीक है, देन फुटबॉल, किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल इज इन बास्केटबॉल इज वेल, देन ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक। ठीक है, देन फॉल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, जो मैंने बताया बास्केटबॉल में भी है रिबाउंड, एंड कमर बिग। ये सारे आप एक बार पॉज करके भी देख लें, जिससे कि अच्छे से याद हो जाए, हर बार आता है इसका क्वेश्चन। नो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। ठीक है, इसकी बात करें तो पुल, क्यू, ये भी पहले आया हुआ है क्यू का, देन हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, स्कोरिंग, कुशन बिलियर्ड्स, देन ब्रेक शॉट, देन बास्केटबॉल, फ्री थ्रो, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल टेक्निकल फाउल, ओवर हेड। ठीक है, देन लेअप भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है जो मैंने पहले बताया, देन बेसबॉल, पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक एंड पुट आउट। देन नंबर ऑफ प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑलमोस्ट हर बार पूछते हैं एफकैट में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेसबॉल में 9 नंबर ऑफ प्लेयर्स जो इस टीम में होते हैं, बास्केटबॉल भी पहले पूछा हुआ है 5, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स 1, बॉक्सिंग 1, चेस 1, क्रिकेट इम्पॉर्टेंट 11, पोलो 4, रग्बी फुटबॉल इम्पॉर्टेंट 15, वॉलीबॉल इम्पॉर्टेंट पहले पूछा हुआ है 6, वाटर पोलो 7, फुटबॉल 11, हॉकी अगेन 11, कबड्डी 7, ये भी पूछा हुआ है, देन खो खो 9। एक बार पॉज करके भी आप फिर से देख सकते हैं। देन मेजर पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पोर्ट्स के जो नेम है मेजर पोर्ट्स के वो चेंज होते रहते हैं, मतलब कुछ के नेम्स चेंज हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है ये गुजरात में, ये दीनदयाल, ठीक है, कांडला नाम से था पहले, अब दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया। देन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ये उड़ीसा में है। ठीक है, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवा शेवा इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका ही नाम है। देन विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इम्पोर्टेंट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट जो था पहले वेस्ट बंगाल में उसी का नाम चेंज करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देन चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट कर्नाटका, देन वी ओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, ये पहले टुटीकोरिन जो पोर्ट था तमिलनाडु में उसी का नाम चेंज हुआ है, ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट। देन कामराझार पोर्ट, ये पहले जो एन्नोर पोर्ट था तमिलनाडु में उसका ही नाम कामराझार पोर्ट। देन कोची पोर्ट ट्रस्ट इज इन केरला एंड मार्मागाव पोर्ट ट्रस्ट गोवा। ठीक है, एडिशनल एक पोर्ट का और काम चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में मिल जाएगा उसके बारे में। सो करेंसी एंड कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और दी करेंसी, जो भी करंट में ऐसी कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स चेंज हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो मैंने अपनी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, विद देयर लीडर्स एंड ये बाकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनका मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा, अफगानिस्तान,
काबुल इज़ दी कैपिटल एंड अफगानी इज़ दी करेंसी। देन अंगोला लौंडा इज़ दी कैपिटल एंड न्यू क्वांजा इज़ दी करेंसी। ठीक है, देन अर्जेंटीना ब्यूनोस एरिस पेसो इज़ दी करेंसी। ठीक है, आर्मेनिया येरेवान द्राम इज़ दी करेंसी। देन ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। ऑस्ट्रिया वेना यूरो। अजरबैजान बाकू। देन बामाज नसाओ। बहरेन मनामा। बांग्लादेश ढाका। टाका इज़ दियर करेंसी। देन बारबाडोस ब्रिज टाउन। देन बिलारिस इज़ मिन्स्क। ठीक है, देन बेल्जियम इज़ ब्रूसेल्स यूरो। देन बेलीज इज़ बेलमोपन बेलीज डॉलर। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बट आप स्टिल पॉज करके सारे देख लीजिए जो भी उनके करेंसी एंड कैपिटल्स हैं। देन बेनिन पोर्टोनोवो सी एफ ए फ्रैंक इज़ दी करेंसी। भूटान थिम्फू। देन बोलीविया लापाज इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड सोकर इज़ दी जुडिशियल। वैसे जनरली लापाज ही यूज़ करते हैं हम कैपिटल की तरह जो बुक्स में दी गई हैं। एंड बोलीवियानो इज़ दी करेंसी। देन बोट्सवाना गैबरॉन। देन पुला इज़ दी करेंसी। ब्राज़ील ब्राज़ील ब्रासीलिया रियल इज़ दी करेंसी। देन ब्रुनाई बंदर सिरी बेगावन। इसका क्वेश्चन पहले आया है ब्रुनाई का। ठीक है, काफ़ी हो गए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है। बुल्गेरिया सोफिया लिव इज़ दी करेंसी। बुर्किना फासो ओगा डोगवा सी एफ ए फ्रैंक इज़ दी करेंसी। बुरुंडी केटेगा बुरुंडी फ्रैंक करेंसी। कम्बोडिया फ्नोम फैन रियल इज़ दी करेंसी। देन कैमेरॉन यवांडे एंड सी एफ ए फ्रैंक। कैनेडा ओटावा कैनेडियन डॉलर। ओके नाउ केप वर्डे प्रेया इज़ दी कैपिटल एंड केप वेरिडियन एस्क्यूडो इज़ दी करेंसी। ठीक है, देन चैड इज नजमीना इज़ दी कैपिटल एंड सी एफ ए फ्रैंक करेंसी। चिली सेंटियागो इज़ दी कैपिटल। ओके, एंड चिलियन पीसो इज़ दी करेंसी। चाइना बीजिंग युआन, ये भी आया है युआन। देन कोलंबिया बोगोटा कोलंबियन पेसो। देन कोमोरोस मोरूनी फ्रैंक। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविले सी एफ ए फ्रैंक। जाम्बिया हरारे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ओके, कोस्टा रिका सैन जोस कोलोन इज़ दी करेंसी। देन कोटा डे वॉर इज यूमाइसो क्रू इज़ द ऑफिशियल एंड अबिडजान इज़ द डिफैक्टो जो है कैपिटल वो ये है। देन सी एफ ए फ्रैंक। क्रोएशिया जग्रेब एंड क्रोएशियन इज़ दी करेंसी। क्यूबा क्यूबा हवाना। ठीक है, देन क्यूबन पेसो इज़ दी करेंसी। साइप्रस निकोसिया यूरो करेंसी। सेक रिपब्लिक प्रागवे कोरोना करेंसी। डेनमार्क कोपेनहेगन डेनिश क्रोन इज़ दी करेंसी। देन जिबूती जिबूती इटसेल्फ इज़ दी कैपिटल एंड जिबूतियन फ्रैंक इज़ दी करेंसी। देन डोमिनिका रसो एंड ईस्ट कैरेबियन डॉलर करेंसी। देन डोमिनियन रिपब्लिक सेंटो डोमिंगो। देन दिस ईस्ट तिमोर दिल्ली इज़ दी कैपिटल। जैसे इंडिया की दिल्ली है न्यू दिल्ली, सेम वे ईस्ट तिमोर दिल्ली। देन यू एस डॉलर इज डॉलर इज़ दी करेंसी। इक्वाडोर क्विटो देखिए यू एस डॉलर अगेन। देन इजिप्ट कायरो इजिप्शियन डॉलर। एल सेल्वाडोर सेल सेल्वाडोर इज़ दी कैपिटल। देन इक्वेटोरियल जेनिया मलाबो एरिट्रिया एस्मारा। एस्टोनिया टैलिन ये न्यूज़ में था काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन इथोपिया एबिस एडिस अबाबा। फिजी सुवा फिनलैंड हेलसिंकी एंड फ्रांस पेरिस। इन दोनों में ही यूरो। देन गिबन लेब्रेविल इज़ दी कैपिटल सी एफ ए फ्रैंक करेंसी। गैम्बिया बेंजुल इज़ दी कैपिटल दलसई इज़ दी करेंसी। जॉर्जिया थिब्लिसी लारी करेंसी। देन जर्मनी बर्लिन यूरो। घाना एक्रा ग्रीस एथेंस एथेंस। देन ग्रेनाडा इज सैन जॉर्ज। ईस्ट कैरेबियन डॉलर इज़ दी करेंसी। ग्वेटेमाला इज़ ग्वेटेमाला सिटी। क्विट्ज़ाल इज़ दी करेंसी। जेनिया इज़ कोनाक्री एंड जेनियन फ्रैंक इज़ दी करेंसी। जेनिया बिसाओ बिसाओ इटसेल्फ इज़ दी कैपिटल सी एफ ए फ्रैंक करेंसी। गयाना इज जॉर्ज टाउन वेनिस डॉलर करेंसी है दी। पोर्टो ब्रिंस एंड देन
हंडूरस, टेगुसीगल्पा, ठीक है, लैम्पिरस दी करेंसी, देन हंगरी बुडापेस्ट, एंड फोरेंट इज़ दी करेंसी, आइसलैंड रेकजाविक, एंड आइसलैंड क्रोना इज़ दी करेंसी, इंडिया न्यू दिल्ली इंडियन रुपी इज़ दी करेंसी, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया इज़ दी करेंसी, ईरान तेहरान एंड करेंसी इज़ रायल एंड तुमन। तुमन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये अभी बिल पास हुआ है तुमन नाम करने के लिए, तुमन ने नया अपना जो करेंसी इंट्रोड्यूस किया है वो है, ठीक है, ईरान का, तो तुमन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इराक बगदाद, इराकी दिनार इज़ दी करेंसी, देन आयरलैंड डबलिन यूरो, देन इज़राइल जेरूसलम शेकेल, एंड इटली रोम अगेन यूरो, एंड जमैका किंगस्टन, जमैकन डॉलर, जापान टोक्यो येन, जॉर्डन अमान, जॉर्डियन डिनार, एंड कजाकिस्तान नूर सुल्तान, टेंगे इज़ दी करेंसी, केन्या नैरोबी, केन्या शिलिंग, देन किरीबाती तारावा डोल, किरीबाती डॉलर, एंड नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग वोन, साउथ कोरिया सियोल वोन, एंड कोसोवो प्रिस्टीना, एंड करेंसी यूरो, कुवैत कुवैत सिटी, कुवैतियन दिनार इज़ दी करेंसी, देन किर्गिस्तान बिश्केक एंड सोन इज़ दी करेंसी, लाओस वेदाइन, एंड न्यूकेब इज़ दी करेंसी, लैटविया रीगा, लैट्स इज़ दी करेंसी, लेबनान बेरुत, लेबनीज पाउंड, लिसोथो इज़ मासेरू मालूती, एंड लाइबेरिया मोनरोविया, लाइबेरियन डॉलर, लीबिया त्रिपोली, लीबियन दिनार, लिस्टिनस्टीन वादुस, स्विस फ्रैंक इज़ दी करेंसी, लिस्टिनस्टीन इज़ इन यूरोप, ठीक है। लिथानिया विल्नियस लिडास, दिस इज़ ऑल्सो इन यूरोप, देन लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग इज़ दी कैपिटल एंड यूरो इज़ दी करेंसी, अगेन इन यूरोप, मैसेडोनिया, स्कॉबजे एंड डिनार इज़ दी करेंसी, मेडागास्कर एंड टेनारिवो एंड मलागासी हेरीरी इज़ दी करेंसी, मलावे लिंगोवे, ख्वाचा इज़ दी करेंसी, मलेशिया, कौलालंपुर एंड रिंगेट इज़ दी करेंसी, देन मालदीव्स माले रुफिया करेंसी, एंड इंडोनेशिया माली एंड इंडिया का थोड़ा प्रोनंसिएशन सिमिलर ही है, रुफिया रुपया एंड रुपीज़, ठीक है। माल्टा वालेता यूरो, मार्शल आइलैंड मजूरो यूएस डॉलर, पैसिफिक में है ये, एंड मोरिटियाना है नॉकचॉट, अफ्रीका में है, ओगिया इज़ दी करेंसी, मॉरिशियस पोर्ट लुइस मॉरिशियन रुपी, देन मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, ठीक है, एंड मैक्सिको पैसो इज़ दी करेंसी, देन फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पिलकर इज़ दी कैपिटल यूएस डॉलर करेंसी, मोल्डोवा जिनिस्नो लियो, मोनोको मोंटे कार्लो यूरो, मंगोलिया उलन बदार टॉगरॉग, मॉन्टेनिग्रो पॉडगोरिका यूरो, मोरक्को रबात दिराम करेंसी, मोजाम्बिक माबूतो मेटिकल करेंसी, म्यांमार और अर्लियर नोन एज बर्मा, नाइपिताओ इज़ द कैपिटल क्यात करेंसी, नामीबिया विंडहुक इज़ द विंडहुक इज़ द कैपिटल, नामीबियन डॉलर करेंसी, नोरा ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, नेपाल काठमांडू, नीदरलैंड एम्स्टरडेम और होग। ओके सो न्यूजीलैंड विलिंगटन इज़ दी कैपिटल एंड न्यूजीलैंड डॉलर इज़ दी करेंसी, निकारागुआ मानागुआ इज़ दी कैपिटल एंड गोल्ड कॉर्डोवा इज़ दी करेंसी, नाइजर नाइमे सीएफए फ्रैंक, नाइजीरिया अबूजा, नॉर्वे ऑस्लो, ओमान मस्कट, ओमानिया रियाल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी, पलाऊ इज़ मेलिक्योक यूएस डॉलर, पलाऊ आयरलैंड है, ठीक है, देन अटोल है एक्चुअली, एंड फिलिस्टीन रामला और ईस्ट जेरूसलम, देन पनामा इज़ पनामा सिटी, ठीक है, एंड पपुआ न्यू जेनिया इज़ पोर्ट मोर्सबे, कीना परागुआ एक्सटेंशन, गोरानी इज़ दी करेंसी, पेरू लीमा, देन फिलिपाइंस मनीला, पीसो पोलैंड वॉर्सो ज्लॉटी, पोर्तुगल लिस्बन यूरो, कतार दोहा कतारी रियाल, रोमानिया बुचारेस्ट रोमानियन रुपी, रशिया मॉस्को रूबल, रवांडा किगाली,
रवांडियन फ्रैंक, इट्स इन अफ्रीका, देन सेंट किट्स नेविस, बेस्टेरी, ईस्ट कैरिबियन डॉलर, सेंट लुइसिया, होशिया इज इन कैस्ट्रीज द कैपिटल, ईस्ट कैरिबियन डॉलर करेंसी, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, किंगस्टाउन, ईस्ट कैरिबियन डॉलर करेंसी, सामुआ एपिया, ताला एंड सैन मरीनो, देन साउथ होम प्रिंसिपी, साउथ होम दोबारा इज द करेंसी, सऊदी अरेबिया रियाद, एंड रायल इज द करेंसी, सेनेगल डाकर, इट्स इन अफ्रीका, सी एफ ए फ्रैंक नॉर्दर्न अफ्रीका में है ये, ठीक है, देन सर्बिया बेलग्रेड, सर्बियन डॉलर, देन सीचिलीज विक्टोरिया, सीचिलीज रुपी, एंड सेरा लियोन फ्री टाउन लियोन, देन सिंगापुर, सिंगापुर इज कैपिटल इज सिंगापुर ओनली, सिंगापुर डॉलर द करेंसी, स्लोवेकिया इज ब्रिटस्लावा यूरो, स्लोवेनिया इज ब्लिजाना एंड स्लोवेनियन डॉलर, एंड देन सोलोमन आइलैंड इज ऑन यारा एंड सोलोमन आइलैंड्स डॉलर इज द करेंसी, सोमालिया इज मोगादिशु एंड सोमाली शिलिंग इज द करेंसी, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव, केप टाउन इज लेजिस्लेटिव एंड ब्लैमफोंटेन इज द जुडिशरी, ठीक है, जुडिशियल कैपिटल, एंड रैंड इज द करेंसी, साउथ सूडान इज जूबा, स्पेन मैड्रिड एंड यूरो इज द करेंसी, श्रीलंका कोलंबो, पहले थी नाउ द कैपिटल इज, अगर कैपिटल पूछते तो श्री जयवर्धनापुरे कोड्डे, दिस इज द कैपिटल, ठीक है, श्रीलंकन रुपी करेंसी, देन सूडान खार्तूम, सूडनीस पाउंड इज द करेंसी, सरीनेम पारमारिबो, देन स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड इट्स इन इट्स अ कंट्री इन दिस साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड माउबेन इज द कैपिटल, लिलांगेनी इज द करेंसी, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बर्ने स्विस फ्रैंक, सीरिया डोमेस्कस, सीरिया का डोमेस्कस, देन सीरियन पाउंड बहुत न्यूज़ में रहता है डोमेस्कस, ठीक है, देन ताइवान ताइबे, ताइवान डॉलर, ताजिकिस्तान दुशानबे, सोमोनी इज़ दी करेंसी, तंजानिया, ठीक है, डोडोमा और दार एस सलाम, तंजानियन शिलिंग इज़ द करेंसी, देन थाईलैंड इज बैंकॉक एंड बाद सबको पता ही होगा इसका थाईलैंड का, देन बाद इज़ दी करेंसी, टोगो लोम, देन टोंगा इज नुकुअलोफा, मांगा इज देयर करेंसी, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर इज दी करेंसी, टूनिशिया ट्यूनिस एंड टूनिशियन दिनार इज दी करेंसी, टर्की अंकारा, टर्की इज अंकारा कैपिटल एंड टर्किश लीरा इज दी करेंसी, देन तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद एंड मानस दी करेंसी, देन तुवालू इज वागो विलेज एंड फुनाफाती प्रोविंस दी दी करेंसी एंड तुवालियन डॉलर इज द करेंसी, ठीक है, युगांडा कंपाला, यूक्रेन की यूएई अबू धाबी एंड यूनाइटेड किंगडम, ओके सो यूएसए वॉशिंगटन डीसी, एंड यूएसए इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए थे, सारे न्यू प्रेसिडेंट्स आपको करंट अफेयर्स वाली ये वीडियो में मिल जाएंगे, डॉलर इज दी करेंसी, रुग्वे मॉन्टेविडियो दिस इज इन साउथ अमेरिका, रुग्वे पीस इज दी करेंसी, उज्बेकिस्तान ताशकंद एंड उज्बेकिस्तानी सुम करेंसी, वानुआतो पोर्ट वेला वातो करेंसी, वैटिकन सिटी और होली सी, वैटिकन सिटी इटसेल्फ इज द कैपिटल एंड यूरो इज द करेंसी, वेनेजुएला कारकस इज द कैपिटल एंड बोलीवार इज द करेंसी, वियतनाम हनोई एंड डोंग इज द करेंसी, यमन साना, ठीक है, दिस इज द कैपिटल एंड रियाल इज द करेंसी, जाम्बिया लुसाका, ठीक है, क्वांजा इज द करेंसी, नाउ आप इनमें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज करके एक बार बस देख लीजिए, दैट विल बी इनफ, आएगा एग्जाम में तो याद आ जाएगा, अगर एक बार आपने सुना होगा या रीड किया होगा तो ईजीली याद आ जाएगा, और हमेशा आता है ये एफ कैट में एक क्वेश्चन रिलेटेड टू कैपिटल्स और दी करेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, नाउ जो और वीडियोज़ हैं एफ कैट सीरीज़ के वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका, एंड
एफकेट के जो वीडियोस अपलोड होंगे और वो आपको मिलेंगे, सॉरी हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री पॉलिटी ऑल ऑफ दिस विल बी एफकेट स्पेसिफिक, ज्योग्राफी ओके एंड करंट अफेयर्स वीडियो दिस विल बी हैविंग करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2022 दिसंबर 2020 ठीक है। एंड वन वीडियो इज ऑल्सो देयर टाइटल्ड स्ट्रैटेजी टू क्रैक एफकेट एग्जाम ऑन द सेम चैनल, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, तो आपको उससे लॉजिकल एंड मैथ्स में भी हेल्प हो जाएगी। उसमें बताया मैंने कि किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आप, एंड फिक्स क्वेश्चन जो आते हैं एफकेट में पैटर्न बहुत फिक्स है एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देता है एफकेट, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो आए तो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। एंड अगर कुछ भी आपने सीखा हो, इफ यू लर्न एनीथिंग देन यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो टू टेल मी एनीथिंग और वट एवर यू वॉन्ट मोर वीडियोज ऑन एनी ऑफ दी पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड टू एनी एग्जाम और एनी सजेशन टू इम्प्रूव दीज वीडियोज ऑफ माइंड, दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।